ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कोई डाउट, वैसे तो हमने कर लिए थे डिस्कस 1 से लेके 10 तक कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 11 12 में डाउट हाथ खड़ा कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 13 14 में डाउट, कौन सा 13, ओके 13 14 में हाथ खड़ा करो कोई डाउट 13 में। देखो लास्ट टाइम किया था, क्वेश्चन में ये मेंशनड है वेलोसिटी की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स ब्रैकेट में एक्स का मतलब वेलोसिटी के फॉर्मूले में एक्स आएगा, तो बस आप ऐसे लिख लो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, डी बाई डी टी कर दो, बीटा कॉन्स्टेंट आ गया, इसकी डिफ्रेंसिएशन माइनस टू एन एक्स की पावर माइनस टू एन माइनस वन इन टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या होती है वेलोसिटी वी, इस वेलोसिटी की वैल्यू को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व करके आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 किया था हमने, 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में डाउट 15, तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स अ मैक्सिमम स्पीड अलोंग एक्स डायरेक्शन। मुझे एक चीज बताओ कि अगर मान लो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड का मतलब उससे ज्यादा स्पीड हो नहीं सकती, इट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मैक्सिमम स्पीड है कांस्टेंट वेलोसिटी का केस है, तो आपको अगर ये एक्स गिवन है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने को कही जाए तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये आपके पास वी की वैल्यू आ गई। हालांकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर बेस्ड है, मैथ्स का टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमा, अभी हमने किया नहीं है, हम करने वाले एक दो लेक्चर के बाद, लेकिन आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि इस केस में स्पीड मैक्सिमम है और आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल निकालनी है, तो स्पीड इसके अंदर मैक्सिमम है, मैक्सिमम यानी कि कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, अगर स्पीड मैक्स हो गई तो एक्सेलरेशन जीरो। तो मैंने क्या किया एक बार और डिफरेंशिएट किया इसे वेलोसिटी को, तो क्या आ गई एक्सेलरेशन और उसको उठा के जीरो पुट कर दिया, तो जीरो पुट करके टाइम आ गया, ठीक, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो होने वाली है मैक्सिमम के केस में, तो वहां से टाइम आ गया, टाइम की वैल्यू सॉल्व करके थ्री आ गई और थ्री को एक्स में पुट करके एक्स की वैल्यू आ गई। तो एंड में यही स्टेप इंपॉर्टेंट था कि जब वो कह रहा है कि वेलोसिटी मैक्सिमम है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो करके टाइम की जो वैल्यू आएगी वो एक्स में उठा के पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट, 16 में एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग मोटर बोट आफ्टर द इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय दिस। एक ना मोटर बोट चल रही थी, इंजन कट ऑफ कर दिया, इंजन बंद कर दिया, तो मान लो मोटर बोट किसी वेलोसिटी पे होगी, मोटर बोट आपने बंद कर दी तो वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी नहीं, वेलोसिटी उसकी घटेगी मोटर बोट की, तो जब आपने उसको बंद किया कट ऑफ पे तो मोटर बोट की वेलोसिटी क्या थी वी नॉट, गिवन है वी नॉट। आपको क्या बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी आफ्टर कट ऑफ इज इक्वल टू व्हाट, तो टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी ये क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में रिलेशन गिवन है वेलोसिटी वाली टर्म्स डी वी और वी क्यूब एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, क्योंकि वेलोसिटी वाली टर्म्स ही अलग से इंटीग्रेट होंगी, तो इन्हें इंटीग्रेशन करेंगे जब, तो लिमिट्स क्या पुट करेंगे जब टाइम जीरो था तो कट ऑफ हुआ था, कट ऑफ पे वेलोसिटी क्या थी वी नॉट, और जब टाइम टी था तो वेलोसिटी क्या हुई थी वी, तो आप लिमिट क्या पुट करेंगे इसमें वी नॉट से लेके वी, वेलोसिटी वी नॉट से लेके वी, वी नॉट वेलोसिटी किस समय पे थी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, और टी टाइम पे वेलोसिटी वी। अब ये क्वेश्चन देखा लगता है पता है कहाँ, इंटीग्रेशन का जब टेस्ट था आपका आखिरी क्वेश्चन यही तो था, मैंने ये बना के दिया था सॉल्व करो इसे, भूल गए आप, तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था जिसमें इंटीग्रेशन में क्या किया था वी की पावर माइनस थ्री को लिखा था वी की पावर माइनस टू बाय माइनस टू, वी नॉट से लेके वी तक 1 dt की इंटीग्रेशन टी लिखी थी जीरो से टी तक, एक बार वी की जगह अपर लिमिट, इसको लिख लेना 1/v², एक बार वी की जगह अपर लिमिट एक बार वी की जगह लोअर लिमिट, सॉल्व करके यहाँ से वी निकाल लेना आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद सोल्यूशन सही नहीं है, इसके बाद तुम खुद करना और वी की वैल्यू को मार्क कर लेना। तो क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं कि कैसे करना है, जो इम्पोर्टेंट है मेन बात है वो पहली इक्वेशन बनाना, वो इक्वेशन अगर बन गई
बस उसके बाद तो इंटीग्रेशन की गेम है सारी, राइट? क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 17th. कितने लोगों को 17th में डाउट है? देखो 17th क्वेश्चन में अननेसेसरी कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है. वो कह रहा है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है जिसकी एक्सेलरेशन है एफ. अब ये कोई बात बनी? एक्सेलरेशन ए होती है. वो कह रहा है जी नहीं, मेरे यहाँ एक्सेलरेशन ए नहीं होती, मेरे यहाँ एफ होती है. तो ये एफ एक्सेलरेशन है. एफ नॉट कॉन्स्टेंट है, कैपिटल टी भी कॉन्स्टेंट है, स्मॉल टी वेरिएबल है. क्वेश्चन है पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू जीरो है जीरो वेलोसिटी. तो जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो थी. इन टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू जीरो एंड इंस्टेंट व्हेन एफ इज इक्वल टू जीरो, पार्टिकल वेलोसिटी वी एक्स है, वी एक्स निकालो. देखो कितनी कन्फ्यूजन क्रिएट की है. पहली चीज़ तो समझ में आ रही है मुझे, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, समझ में आ गई. फिर वो कह रहा है कि जब टाइम टी है, इंस्टेंट का मतलब जब टाइम टी है वो टाइम टी पे एक्सेलरेशन जीरो है. तो आप इस एफ को उठा के जीरो पुट कर दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीरो पुट करके ये जीरो से कट जाएगा. तो स्मॉल टी निकाल लो जो कि सॉल्व करके कैपिटल टी आएगा. मतलब इनिशियल टाइम की लिमिट जीरो है, फाइनल टाइम की लिमिट वो इंस्टेंट है जब एफ जीरो है. तो मैंने एफ को जीरो पुट कर दिया, एफ को जीरो पुट करके मैंने टाइम निकाल लिया जो कि कितना आया, कैपिटल टी आ गया. मुझे कैपिटल टी पे वेलोसिटी बतानी है, वी एक्स क्या होगी. तो मैंने भी फिर क्या किया, एक्सेलेरेशन का ये फॉर्मूला था, एक्सेलेरेशन को डी वी बाई डी टी लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. शुरू में टाइम की लिमिट क्या है, जीरो, और दूसरी टाइम की लिमिट कैपिटल टी, क्योंकि जब एक्सेलेरेशन जीरो थी तो समय स्मॉल टी क्या आया था, कैपिटल टी. तो जीरो से कैपिटल टी, और जब स्टार्ट हुई थी ये बॉडी तो वेलोसिटी क्या थी, जीरो से लेके वी एक्स. बस अब सारी गेम इंटीग्रेशन की है. तो ये फंक्शन समझ में आ रहा है सबको, ये कैसे बना? तो एक टाइम की लिमिट गिवन है जीरो, एक टाइम की लिमिट वो कह रहा है वो टाइम लो जब एफ जीरो है. तो मैंने एफ को जीरो पुट करके स्मॉल टी निकाल लिया कैपिटल टी. तो मुझे पता लग गया सेकेंड टाइम की लिमिट कैपिटल टी है. तो टाइम की लिमिट जीरो से टी, वेलोसिटी जीरो से वी एक्स, इंटीग्रेशन एफ नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म. तो ये इक्वेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म है ना, एफ नॉट बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म. तो यहां से एफ नॉट बाहर आ गया, वन डी टी की इंटीग्रेशन स्मॉल टी, कैपिटल टी बाहर आ गया, स्मॉल टी की इंटीग्रेशन स्मॉल टी स्क्वायर बाई टू. जीरो से कैपिटल टी, जीरो से कैपिटल टी, लिमिट पुट करो कैपिटल टी एंड जीरो, सॉल्व करो, आपके पास आंसर आएगा. मेथड समझ में आ रहा है कि यहाँ तक क्या मेथड अप्लाई करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक? मुश्किल क्वेश्चन है. आप ये ना सोचें कि आप शायद आप ही की प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है. जब मैं वहाँ आपकी जगह बैठा हूँगा तो मेरे को भी ऐसा फील हो रहा होगा कि यार ये क्या है, इतना कौन दिमाग लगाने वाला है. बट इट्स ओके, देख देख के सीखने को मिलता है. तो जब आप देख रहे हैं कुछ सीख रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद आपको अपने आप करना आ जाएगा. बट पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कैसे सोचना है इसमें? ये सही है. देखो मुझे तो मेरा क्वेश्चन क्या था, अभी पेपर लेके आया, मैं क्वेश्चन पेपर देख लूँगा, क्लास के बाद देखते हैं, क्वेश्चन में वेरिएशन होगा. पॉइंट समझ में आ रहा है लेकिन कैसे करना है इसमें? क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट, 18 में एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग एज बी टी. तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है, बी टी. पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वी नॉट. तो जब चला था तो वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट. तो आपको ये बताना है कि टाइम टी पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है. आधी लिमिट दे दी वेलोसिटी की और आधी लिमिट दे दी डिस्प्लेसमेंट की. तो क्वेश्चन है कि जब चला था तो वेलोसिटी वी नॉट थी, ये बताओ टी टाइम के बाद. वेलोसिटी मत बताओ, वो कह रहे हैं टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ. मेरे को तो एक चीज़ बड़ी सिंपल आती है कि अगर एक्सेलेरेशन है और मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं एक बार इंटीग्रेट करूँगा, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है मैं एक बार और इंटीग्रेट करूँगा. तो इसमें एक्सेलेरेशन की जगह डी वी बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी बाहर आ गया. जब बॉडी चली थी तो टाइम जीरो था, उस टाइम वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट थी, और जब टाइम टी हो गया तो किसी उस इंस्टेंट पर मान लो वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई. तो मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने वाला हूँ बाई इंटीग्रेशन. सही यहाँ तक?
तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 0 से टी, 0 से वी, तो यहाँ से 1 dv वी होता है, टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, वी की जगह एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, टी की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो यहाँ से सॉल्व करके मैंने वी निकाल लिया, ये वी आ गया। पर मेरे को वी तो निकालना नहीं, मेरे को क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो एक और स्टेप करेंगे। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं वी को लिखूंगा डी एक्स बाई डी टी आगे, हाँ तो वी को लिखूंगा डी एक्स बाई डी टी, डी टी राइट साइड पे आ गया, इसको इंटीग्रेट करूंगा क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो जब बॉडी चली थी तो ओरिजिन से चली थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिन में एक्स क्या रहेगा, जीरो, और जब बॉडी टी टाइम पे है तो डिस्प्लेसमेंट मान लो कितनी हो गई, एक्स, जो हमें निकालनी है। फिर से इंटीग्रेट करो, वन डी एक्स एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, वी नॉट बाहर आ गया, बी बाई टू बाहर आ गया, टी स्क्वायर के इंटीग्रेशन टी क्यू बाई थ्री, इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू मार्क कर लेना। तो आइडिया समझ में आ रहा है, देखो थोड़े से हार्ड असाइनमेंट है ये, और सेवन्थ असाइनमेंट दोनों हार्ड हैं, इट्स ओके चलता है, पर मैं इतनी बात की कमिटमेंट कर सकता हूँ, ये असाइनमेंट्स ख़त्म करने के बाद ठीक है कॉन्फिडेंस नहीं आता, ऐसा लगता है कि पता नहीं चौथा क्वेश्चन मोशन का सॉल्व होगा कि नहीं होगा, गारंटी नहीं है। जब तक तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, वी यू प्लस एटी, वो तो गारंटी है, वो तो मैं कर ही लूँगा, पर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं बंदा सोचता है कि पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है। मैं आपको मेंस और नीट के क्वेश्चन पेपर दे दूंगा पिछले 10-20 साल के, मैंने दिए हैं कईयों को, कोई ले भी गए स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वो कर लेना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये असाइनमेंट का लेवल ऊपर है नीचे है कैसा भी है, ये बात की पूरी गारंटी है आप मेंस की और नीट की असाइनमेंट सारी कर देंगे, पिछले 22 साल के पेपर हैं, सारे के सारे करने को दे दूंगा, तो जो इंटरेस्टेड है ऑब्वियसली, तो जब आप वो करेंगे बहुत कम डाउट आने वाले हैं, और अगर आएंगे भी तो आप एक्स्ट्रा टाइम से मेरे से पूछ सकते हैं। मतलब ये लेवल अटेन कर चुके हो आप कि आप उस लेवल के क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दिल की तसल्ली के लिए, आप ट्राई करके देखें, बेसिक क्वेश्चन आ रहा है यार, मेंस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कार और स्कूटर वाला, ओवरटेकिंग वाला सेम क्वेश्चन, मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि वो दो कहाँ क्रॉस करेंगे, 100 मीटर का डिस्टेंस है जो हमने लास्ट टाइम किया था, बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बहुत बड़े, ये शीट का लेवल ऊपर है इसमें कोई शक नहीं। देखो हमने तो एक लेवल बना के रखना है, कल को मुश्किल आया आसान आया किस पेपर में जाओगे मुझे मालूम नहीं है कुछ भी, तो उस टाइम ये ना हो कि हम रेफरेंस पॉइंट मान लें ईजी को और हमसे ये क्वेश्चन होना, मैं तो इसलिए करवाता हूँ ताकि एक लेवल अटेन हो जाए, अदरवाइज मोशन में से क्वेश्चन तो एक ही आना है, मैंने हमको पहले बोल दिया था, पर मोशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपकी फिजिक्स बहुत बढ़िया चलेगी अगर आपकी मोशन ठीक चल रही है तो। हर्डल्स आएंगी, कॉन्फिडेंस टाइम के साथ आएगा, जल्दी जल्दी नहीं आएगा पर आएगा, तो ये स्टेप क्लियर है। 19th क्वेश्चन को एक बार देखना प्लीज, नाइनटीन्थ क्वेश्चन में डाउट, 20th क्वेश्चन में डाउट, देखो वो एग्जाम्पल करने के बाद तो ये थोड़े ठीक से लगते हैं कि चलो ये तो मैनेजेबल है। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन के ऊपर डाउट, 21st, कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 40 कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 2 meters, तो कार रुक जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल 40 थी, डिस्टेंस 2 है, तो आप अप्लाई करें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, एस की वैल्यू 2 पुट कर दें, ये क्वेश्चन आ गई। सेम कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 80, अगर 40 की जगह क्वेश्चन 80 होता तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होता, तो फिर से एक बार इक्वेशन बना लें, केस 2, फाइनल वेलोसिटी फिर से 0 लेकिन इनिशियल इस बार 40 की जगह 80, 2as क्योंकि डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन कर दें, सेकेंड इक्वेशन ये रही माइनस 80 स्क्वायर 2as, फर्स्ट इक्वेशन माइनस 40 स्क्वायर थी ये रही माइनस 40 स्क्वायर 2a इंटू 2, ये देखो यहाँ पुट कर दें, s के लिए सॉल्व करें, s ऑटोमेटिकली 8 मीटर आ जाएगा, मतलब दो इक्वेशन बनाएं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as की, ठीक 2as की, इधर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, दो इक्वेशन बनाएं, एक बार फर्स्ट बॉडी के लिए एक बार सेकंड बॉडी के लिए, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। आपने नोट किया होगा मैं डिवीजन पसंद करता हूँ,
डिवीजन में ना ए से ए कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, बहुत चीज़ें इकट्ठी निकल जाती हैं, तो आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन में डाउट, 22nd कितने का हो गया? ये हो भी गया, ठीक है। कार इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो कार मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट पासिस पी एंड क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 एंड 40, तो 30 की स्पीड और 40 की स्पीड के साथ इसने इसको क्रॉस किया। आपको बताना है इसके मिड पॉइंट पे, पी और क्यू के मिड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो यहां पे वेलोसिटी कितनी है 30, यहां पे वेलोसिटी कितनी है 40, मुझे यहां पे वेलोसिटी निकालनी है। एक काम करो आप ना, पी क्यू पूरी जर्नी लो, पूरी की पूरी जर्नी लो, पूरी जर्नी में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज 2 इंटू ए इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है एस। तो इससे क्या होगा, आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, लेकिन जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ क्या आएगी, एस आएगी। एस रहने दो, कोई बात नहीं, चलने दो। तो पहले आपने क्या किया, 30 और 40 के हिसाब से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as से आपने a निकाल लिया। पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो वेलोसिटी निकालनी है वो मिड पॉइंट पे निकालनी है, मिड पॉइंट का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है s बाय 2। तो एक काम करो, अब pb के लिए इक्वेशन लगाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज 2 इंटू ए इंटू एस, नहीं एस की जगह एस बाय 2, ठीक है एस बाय 2। फिर से एक काम करो, इस ए की वैल्यू को ऊपर से निकाल के नीचे पुट कर दो, एस से एस कैंसिल हो जाएगा और वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आएगा। हाँ, दो अलग अलग हल ले सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? मतलब कुछ नहीं करना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस पहले फुल इंटरवल के लिए लगा लिया, फिर मैंने हाफ के लिए लगा लिया, आप ये और ये कर लें तो भी बात सही है, चलेगा, जहाँ मर्जी लगा लें आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में डाउट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था 23 आपका, क्लास में किया था, एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है अल्फा, रिटार्ड कर रही है बीटा, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो। तो मैंने कहा था क्वेश्चन ग्राफिकली कर लेना, टोटल टाइम टी है, T1 T2, तो अल्फा इज इक्वल टू वी मैक्स बाय T1, तो बीटा इज इक्वल टू वी मैक्स बाय T2, तो यहाँ से T1 T2 निकाल के T में पुट करके मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू की थी, याद आ रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था हमने सेम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नहीं करो, 24 में एक क्वेश्चन गलत है, ये मिस प्रिंट है, हाँ गलत है, 25, 26, 27, 28, 27, टू बॉडीज ए एंड बी। पहली बात हो, काइनेमेटिक्स में मास मैटर करता ही नहीं है, कोई इक्वेशन देख लो, एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मास चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आंसर सेम ही आता है। तो कह रहे दो मासेज हैं ए एंड बी, हाइट 16 और 25 से इसको ड्रॉप किया गया, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बताओ कब वो नीचे आई। तो आप दोनों स्टोन्स के लिए एस से 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा लें, मान लो हर स्टोन ने एस डिस्टेंस कवर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी निकाल लें, साफ पता लग रहा है जो टी है वो अंडर रूट ऑफ एस के प्रोपोर्शनल है, देख रहे हो 2 और जी तो कॉन्स्टेंट है। इक्वेशन बना लो T1 बाय T2 अंडर रूट ऑफ S1 बाय S2, तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1, S1 की वैल्यू कितनी है 16, S2 की वैल्यू कितनी है 25, सॉल्व करके क्या आएगा 4/5 आंसर, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 28 में डाउट, 28 में, स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो u इज इक्वल टू 0, इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ h1 h2 h3 इन फर्स्ट 5 नेक्स्ट 5 एंड नेक्स्ट 5, मतलब u इज इक्वल टू 0 से स्टोन चला तो 5 सेकेंड में उसकी हाइट क्या है h1, अगले 5 सेकेंड में हाइट क्या है h2, अगले 5 सेकेंड में हाइट क्या है h3। तो अगर मैं इक्वेशन लगाऊंगा यहां से यहां तक, तो h1
इज जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये रहा, तो मैं एच वन निकाल लूंगा। अगर मैं इक्वेशन लगाऊंगा यहां से यहां तक तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, एच वन प्लस एच टू इज जीरो प्लस हाफ जी इंटू टेन का स्क्वायर, क्योंकि फाइव प्लस फाइव टाइम टेकन कितना हो गया, टेन का स्क्वायर। और अगर मैं इक्वेशन लगाऊंगा एच वन एच टू एंड एच थ्री तो जीरो प्लस हाफ इंटू जी इंटू पंद्रह का स्क्वायर। तो एक बार एच वन निकाल लो, दूसरी बार एच वन प्लस एच टू निकाल लो, तीसरी बार एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री निकाल लो। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एच वन की वैल्यू यहाँ पुट करो एच टू आ गया, एच वन प्लस एच टू यहाँ पुट करो तो एच थ्री आ गया। फिर रेशियो निकालना है एच वन का एच टू का और एच थ्री का, जब वैल्यू आ गई एच वन एच टू एच थ्री, फिर रेशियो तो अपने आप ही आ जाएगी, बातें खत्म है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे सोचना है इसमें? ऐसे क्वेश्चन आए हुए आपके कॉम्पिटिशन में, ये देख लेना अपने प्रीवियस ईयर्स। ठीक, 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 30 में डाउट। 30, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर फॉल्स 40 मीटर ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड ऑफ द फॉल। 2 सेकेंड है, 1 सेकेंड नहीं है। बॉडी जो है वो नीचे गिरी, तो मान लो नीचे टी टाइम में गिरती है, वो कह रहे आखिरी 2 सेकेंड। आखिरी 2 सेकेंड का मतलब यहां से यहां का टाइम कितना हो गया, टी माइनस 2। एरो थोड़ा छोटा करते हैं, यहां से यहां का टाइम क्या आ गया, टी माइनस 2। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि लास्ट 2 सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। तो ऐसा क्यों नहीं करते, यू की जो वैल्यू है यहां पे क्या है, जीरो है, तो पूरी जर्नी में हाइट कवर कितनी है, एच। तो पहली इक्वेशन क्लियर है, जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब टी टाइम में पूरी जर्नी कवर हो जाती है। 2 सेकेंड ऊपर यू इज इक्वल टू जीरो से कहानी स्टार्ट हुई, एच डिस्टेंस टी टाइम में कवर होता है, 2 सेकेंड ऊपर टाइम टेकन कितना है, टी माइनस 2, और ये डिस्टेंस कितना है, एच डैश। तो एच डैश की वैल्यू क्या आएगी, जीरो प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। लेकिन वो कह तो रहा है कि मैं आपको ये डिस्टेंस दे रहा हूं, यानी कि एच माइनस एच डैश, तो इन्हें माइनस कर लो, तो इन्हें माइनस कर लो, और ये डिस्टेंस कितना गिवन है, 40। तो यहां से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना के टी निकाल लो, टी को किसी भी इक्वेशन में ऊपर पुट करके एच आ जाएगा, आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 2 सेकेंड ऊपर का मतलब क्या है कि टी डिस्टेंस में से दूसरा टाइम टी माइनस 2 लेना पड़ेगा, दोनों डिस्टेंस निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 40 करना पड़ेगा, अपने आप टाइम से एच की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट इसमें, मेथड सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, तो मैटर ऑफ प्रैक्टिस है अगेन, इसमें और बस कुछ है नहीं।